एज पर आरटीआई रेस्पॉन्स इन धोखेबाजों से 2020-21 में जो रिकवरी हुई है वो 0.7%, 0.7%। और मॉडल क्या बना है? ईज ऑफ लूटिंग बैंकिंग इंडस्ट्री मॉडल बना है, ईज ऑफ कमिटिंग फ्रॉड्स मॉडल बना है, लूट एंड एस्केप, लूटो और भागो, बैंकों का पैसा लूटो और भाग जाओ, और सुदूर विदेशी लोकेशंस पर, समुद्री तटों पर उनकी फोटोएं देखने को मिलती है जो देश का पैसा लूट के भाग रहे हैं। अभी देश के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड हुआ, 22,482 करोड़ रुपए का, देश के इतिहास का। आज तक पिछले 75 साल में कई रिकॉर्ड बनाए, पिछले 7.5 साल में मोदी जी ने देश को सबसे बुरी बेरोजगारी दी, देश की जो वो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 12 साल के सर्वोच्च स्तर पे पहुंचाया, रुपये को डॉलर के मुकाबले एशिया की सबसे निम्नतम करेंसी घोषित करवाया, और अब बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा जो अभी हुआ उसमें 22,842 करोड़, 22,842 करोड़ रुपी इज द फ्रॉड कमिटेड बाई ए कंपनी नेम्ड एज ABG शिपयार्ड। ये शिपयार्ड वाले क्या कर रहे थे उसका ब्यौरा आज लेके आया हूँ। इन्होंने 22,842 करोड़ का धोखा किया बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ, और 5 साल तक सरकार ने क्या किया आपको पता है? ये धोखा आज समाचार पत्रों में आज बाहर आ रहा है, पर सरकार को इसकी जानकारी 2017 में ही थी, और उसके भी साक्ष्य हैं हमारे पास। 5 साल तक सरकार खेलती रही ऑफिस ऑफिस फाइल फाइल, कभी वहाँ उस ऑफिस में फाइल भेजती, कभी SBI CBI को फाइल भेजते, कभी CBI से फाइल वापस SBI में आती, और वो 5 साल तक आराम से धोखेबाज घूमते रहे। और अभी कहाँ हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। मोदी गवर्नमेंट का एक ही स्कीम है, लूटो भागो।